हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पणजी के ट्रिक्स में। दोस्तों हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक फनी ट्रिक लेकर आया हूँ, जो कि है भारत की सीमा से लगने वाले देश को याद करने की ट्रिक। तो दोस्तों ये ट्रिक भी मजेदार होगी, बस आपको क्या करना है इस वीडियो को देखना है, देखते देखते ये आपको याद हो जाएगी। तो ये वेरी सिंपल ट्रिक होगी, बहुत मजेदार होगी, ओनली फॉर 2 सेकंड के अंदर ये ट्रिक मैं आपको याद करवा दूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि भारत में जो जो देश है उसकी सीमा से लगने वाले हैं उनको प्रैक्टिकल पहले आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ ये देश है भारत में। तो पहले आप उनको देखिएगा, फिर उसकी ट्रिक समझाऊंगा, फिर ट्रिक समझाने के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। तो ट्रिक पहले देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ स्थिति है। देखिए नेपाल यहाँ पर है, जो कि उत्तर प्रदेश से जस्ट ऊपर है। उसके बाद आता है भूटान, भूटान पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। उसके बाद आता है बांग्लादेश, बांग्लादेश आपको दिख ही रहा होगा। तो देखिए ये बांग्लादेश है। उसके बाद है म्यांमार, म्यांमार भी भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है। तो इसके बाद आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान भी भारत का पड़ोसी देश है। इसके बाद आता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान हो गया। इसके बाद अफगानिस्तान के बाद चाइना। तो यही इनकी लोकेशन है, मैंने आपको लोकेशन बता दी ताकि आपके माइंड में रहे कि ये देश है का। अब इसको ट्रिक को समझते हैं। देखिए आपको ये लड़का दिख रहा होगा, ये जो लड़का है इसका बचपन का सपना है कि इसको MBA करना है, MBA करना है। तो बचपन का सपना है इसका MBA करना, तो यही हमारी ट्रिक है कि बचपन का सपना है MBA। तो इसको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ आपको, जिसमें बी से हुआ बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो वहाँ पे कौन सी मुद्रा चलती है, वो चलती है टका, क्लियर है इतना। तो ये मैंने मुद्रा के नाम भी लिख दिए हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। उसके बाद सी से हुआ चीन, चीन में जो मुद्रा चलती है वो चलती है युआन, इतना क्लियर। उसके बाद पी, पी से होता है पाकिस्तान, जिसकी जो करेंसी है वो है रुपया, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान में भी रुपया ही चलता है। उसके बाद एन से हुआ नेपाल, नेपाल में भी क्या चलता है, नेपाल में भी रुपया ही चलता है, इतना क्लियर है आपको। उसके बाद एम, एम से हुआ म्यांमार, म्यांमार में कौन सी करेंसी चलती है, उसमें चलती है क्याट, ठीक है, इतना क्लियर है। तो इसके बाद आता है बी, बी से हुआ भूटान, भूटान में कौन सी करेंसी चलती है, वो चलती है न्यूक्ले टर्न, ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद आता है ए से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में चलती है अफगानी करेंसी। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, तो इनके करेंसी के बारे में भी पूछ लेता है एग्जाम में। बस आपको ये याद रखना है कि ये जो लड़का है इसका सपना क्या था, बचपन में, बचपन का सपना था इसका क्या करने का, MBA करने का। तो बस इससे याद हो जाएगा आपको दोस्तों। तो ये ट्रिक आपको मस्त लगी होगी दोस्तों। ये ट्रिक के बारे में कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बता देता हूँ, तो वो नोट्स को भी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए भारत की सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और यह 5 राज्यों से लगती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा की लंबाई 496 किलोमीटर लगती है, जबकि सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगती है, ठीक है, इतना क्लियर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथ में अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और साथ में बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब मैं अगली वीडियो डालूं तो उसका बेनिफिट आपको मिलता रहे। दोस्तों इसी तरह की वीडियो मैं रोज डालते रहता हूं, तो आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़िए, लोगों को जोड़िए, सबको इस वीडियो का बेनिफिट दीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। दोस्तों अगर इसी तरह की वीडियो आप और चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं जब तक की अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।